अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरे तमाम देखने वालों को आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी पुदीने के बारे में। पुदीने का बेइंतहा फ़ायदे हैं जो कि सबको पता होते हैं, लेकिन आज मैं कुछ ऐसे आपको टिप्स बताऊंगी जिस जो आपको बिल्कुल भी पता नहीं होंगे। ये पुदीना है जिसके बेइंतहा ज़्यादा सर में दर्द होता हो, आधे सर में दर्द होता हो, हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा आप इस बीमारी में मुबतला हैं, तो आपको 2 से 3 पत्ते आपको चबा लेने हैं। आप देखेंगे कि आपका जो सर का दर्द है वो भी गायब हो जाएगा। अगर आपके एक हिस्से में, पूरे चेहरे के एक हिस्से में दर्द रहता है और सूनपना रहता है, तो वो भी मिनटों में गायब हो जाएगा। दूसरा तरीका, अगर किसी के दाढ़ में दर्द रहता है, कीड़ा लगा हुआ है, या सांसों से बदबू आती है, या और जो है आपके मुँह में बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी छाले निकल जाते हैं, छालों को बहुत ज़्यादा मसला रहता है, तो आपको भी ऐसे करना है, 2 से 3 पत्ते रोज़ाना आप चबा लें। आप देखेंगे कि कितने फ्रेशनेस आप महसूस भी करेंगे और आपकी बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी। और चेहरे के लिहाज से देखा जाए तो आप छोटी सी मैं टिप बता दी जो आप रोज़ाना कर सकती हैं अपने घर में। इससे आपका चेहरा नर्म मुलायम और शाइनिंग आएगी आपके चेहरे पर। आपको क्या करना है, पुदीने को हल्का सा पीस लेना है, थोड़े से आपको एक डंडी लेनी नहीं है, और उसको इमाम दस्ते में खूब अच्छी तरह पीस के इसकी बिल्कुल चटनी की तरह बना लें। और इसमें आपको कुछ भी नहीं डालना सिवाय रोज़ वाटर के, सिवाय रोज़ वाटर के आपको कुछ भी नहीं मिलाना। उसको पत्तों को अच्छी तरह पीसें आप इमाम दस्ते में, और ये रोज़ वाटर इसमें मिला लें कि इसका पेस्ट बन जाए, और आप अपने चेहरे पे लगा लें। आप फिर झाड़ू दे लें, बर्तन धो लें, इसको अपने फेस पे लगा रहने दें, और जब आप काम से फारिग हो जाएँ तो उसको अपने फेस को वॉश कर लें। आप देखिएगा कि आपका चेहरा बिल्कुल नर्म मुलायम रहेगा, जैसे बेबी स्किन रहती है, और आपके चेहरे पे चमक भी आ जाएगी। तो लिहाजा इस टिप को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं ताकि आपकी जेल जो है बिल्कुल तरोताज़ा रहे और शाइनिंग रहे आपके चेहरे पे। लिहाजा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास फटाफट पहुँच जाए और आप इससे बेइंतहा फ़ायदा उठा सकें। मुझे दुआ में शामिल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।